नवरात्रि का विसर्जन कब होगा और क्या कुछ शुभ मुहूर्त है इसके लिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि विसर्जन कब होगा, क्योंकि 3 तारीख से ही आशा है कि विजयादशमी कब होगा। तो विजयादशमी के दिन ही माता का विसर्जन होता है, जो 12 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। 3 अक्टूबर 2024 से ही माता का पूजा प्रारंभ है और हम लोग भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ माता का पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को नवमी तिथि है और आज माता का बलि प्रदान हुआ, पूजा पाठ हुई और नौमा पूजा जो है माता का आज समाप्त हो गया। नौमी तिथि जो है 11 तारीख को सुबह 4:30 बजे तक रहेगा, ये तिथि का अंतिम समय है। इसके बाद दसवीं तिथि 11 तारीख के 4 बजे के बाद या 4:30 बजे के बाद, क्योंकि यह कॉन्ट्राडिक्शन है पत्रा के मुताबिक, नेशनल पंचांग के मुताबिक भी कॉन्ट्राडिक्शन है टाइम का कि दसवीं तिथि कब प्रवेश कर रहा है, तो इसलिए यह समझें कि 12 तारीख को सुबह में दसवीं तिथि का प्रवेश हो रहा है और जैसे ही दसवीं तिथि का प्रवेश होगा तो माता का विसर्जन का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। यह दिमाग से निकाल देना है कि तिथि और टाइम का कॉन्ट्राडिक्शन को, यह मान के चलिए कि 12 तारीख को माता का विसर्जन है और माता का विसर्जन का जो मुख्य समय होगा उसकी मैं चर्चा आगे करूंगा, क्योंकि सबसे पहले जो इसमें जो काम होगा वह होगा जयंती धारण। सबसे पहले जयंती धारण होगी, माता का पूजा अर्चना के बाद अपराजिता पूजन होगी। इसके साथ साथ जो माता बहन अष्टमी और नवमी दोनों का उपवास करती आ रही हैं, कल वह पारणा भी करेंगे, क्योंकि कल दसवीं तिथि है, दसवीं तिथि का सुबह में ही, कल 12 तारीख है और सुबह में ही पारणा का भी समय है, क्योंकि 4 बजे सुबह तक ही 11 तारीख को नवमी तिथि रहेगा। इसके साथ साथ विसर्जन का चर्चा उठेगी। जो पूजा पाठ के बाद जो सबसे उचित समय है विसर्जन का, वह है सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ये माता का विसर्जन का उचित समय है। इसके साथ साथ दोपहर में 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, जगह जगह विसर्जन का समय अलग अलग हो सकती है, पंडित जी के अनुसार या समय अनुसार या पूजा पाठ की समाप्ति के अनुसार विसर्जन का समय अलग अलग होगा। जो शुभ मुहूर्त विशेष रूप से हमने जो देखा, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक यह शुभ मुहूर्त का जो विसर्जन का अच्छा समय है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे फोन पर कह चुके हैं कि पंडित जी कल विश्व माता का विसर्जन होगा, कल शनिवार पर रहा है, क्या शनिवार को माता का विसर्जन होना चाहिए? तो क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो माता है, माता के सामने शनिवार क्या, मंगलवार क्या, बुधवार क्या, किसी भी दिन माता का विसर्जन हो सकता है और प्रारंभ हो सकता है। दिन तो हमारे और आपके सुलभता के लिए बनाया गया है, माता की सुलभता के लिए, माता तो अपनी सुलभ, हमारे आपके सुलभ के लिए वही काम करती है। हाँ, कल जो है 12 तारीख भदवा का भी प्रारंभ हो रहा है, भदवा का समय है रात्रि 1:02 के बाद भदवा का प्रारंभ होगा, जो लगातार 5 दिनों तक भदवा रहता है। शास्त्र कहता है और समय कहती है, माता जो है वह भदवा में ही जाती है, इसलिए भदवा का दिन, कल जो माता का दिन है, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह भदवा मनुष्य के लिए नहीं लगता, हमारे और आपके लिए नहीं है, यह माता के लिए है, तुम जाओ, तुम्हारी बिदागरी हो गई हमारे यहाँ से। कल के दिन अगर कोई माता अपनी बेटी का भी बिदागरी करवाना चाहती हो या उसको अपने ससुराल भेजना चाहती हो या ससुराल से मायके लाना आना चाहती हो, तो कल का दिन उसके लिए सबसे उचित समय है। कल वो जो है जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं, क्योंकि माता के साथ हमारी बेटी भी जाने और आने के लिए तैयार है। तो कल दसवीं तिथि यानी कहें तो सुबह के 4:30 बजे से शाम के, कल सुबह के 4:30 बजे से ही दसवीं तिथि का प्रारंभ स्टार्ट है। कहा जाए कि 11 अक्टूबर 2024 को ही सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में ही
दशमी तिथि का प्रारंभ है और संध्या 4:28 तक 12 तारीख को दशमी तिथि रहेगा। इसी बीच माता का विसर्जन होगी, जिसमें हमने आपको कहा कि 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक दोपहर का समय सबसे शुभ समय है और सुबह में 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक अति शुभ समय है। दशमी है, इस दिन रावण का दहन किया जाता है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, क्या कहेंगे आप? सही कहा कि विजयादशमी कैसा दिन है जिसको कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई का विजय, क्योंकि कल रावण का वध भी होता है। रावण एक पंडित थे, पंडित के साथ साथ बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, मगर उन्होंने ज्ञान का दुरुपयोग किया। उनके ऐसा पंडित ना संसार में हुआ है ना होगा, मगर कहता है कि कुकर्म का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। तो उन्होंने जो कुकर्म किया था उसका दंड उन्हें मिला भगवान रामचंद्र जी के द्वारा। तो कल रावण दहन जो हो रहा है यह एक ऐसा समाचार पब्लिक के लिए है कि आप जो कर्म और कुकर्म कर रहे हैं इसका ध्यान में रख कर के कीजिए कि इसका फल आप ही को भुगतना होगा, जिसका परिचय कल आपको रावण वध के समय मिलेगा। उस समय लोगों की भीड़ रहती है उसे देखने के लिए, यह देखने के लिए कि बुराई का नाश हो रहा है और अच्छाई की विजय हो रही है, जिसका शुभ समय कहा जाता है कि संध्या के बाद। दशमी तिथि का जो समय है वह मिथिला पंचांग के अनुसार 4:28 तक ही है, मगर नेशनल पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 13 तारीख तक 10:20 तक है नेशनल पंचांग के अनुसार। परंतु शास्त्र कहता है कि दहन जो होती है वह रात्रि में होती है, इसलिए रावण का दहन जो होगा वह रात में जो होगी 10:30 संध्या के बाद, रात 10:30 या 8 बजे भी कर सकते हैं। समय समय पर जगह पर अलग अलग तरह से रावण का दहन होगा, मतलब सूर्यास्त के बाद देर रात, सूर्यास्त के बाद देर रात तक 10:30-11 बजे तक रावण का दहन हो जानी चाहिए। पीछे बता दें, पंडित मनोत्पल झा जोशी महाराज यहाँ था पूर्णिया।